पूरे रुई का गला लगाया हुआ था और उसके पैक करके जो है लाश को लाया गया। पैसे वाले होते तो हमारे तरफ भी लोग खड़े होते, लेकिन आज हमारे पास पैसा नहीं है, आज हमारे पास साथ में खड़े होने वाले लोग नहीं। अच्छा, हिंदू मुस्लिम ये बेकार की बात है, और जो अनपढ़ लोग हैं जिनके पास इल्म की कमी है वो लोग हिंदू मुस्लिम करके राजनीति को चमकाने की कोशिश करते हैं। जिनको सियासत करना है, जिनको राजनीति में आगे बढ़ना है, वो हिंदू मुस्लिम का सट्टा खेलते हैं। हमको हिंदू मुस्लिम का सट्टा नहीं खेलना। बिहार में दहेज प्रथा शायद अभिशाप साबित हो रही है। जैसे जैसे लोग विकसित होते जा रहे हैं, दहेज की मांग वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। लोगों के लिए सरकारी नौकरी भी जरूरी है, और सरकारी नौकरी होने के बाद लोग दहेज मांगने का एक प्रथा चला रहे हैं। अभी हम लोग एक गांव में खड़े हैं, ये समस्तीपुर जिला है, और यहाँ पर से कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखने के बाद शायद लगा कि इस चीज को आप लोगों के सामने लाने की जरूरत है। ये इंसान है, इनके घर में एक ऐसी घटना हो गई जिसे सुनने के बाद आप शर्म से तार तार हो जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शमशुर रहमान हुआ। क्या हुआ है आपके घर में, और कौन लगती थी जिनके साथ ये घटना हुई? ये हमारी बच्ची होगी जी, और अभी से 8 महीना पहले जो है इसकी शादी की गई थी जी, और इन लोगों ने जो है षड्यंत्र के से जो है बच्ची का जो है कत्ल किया, कत्ल कर दिया गया, कत्ल कर दिया। बाजाब्ते उसके गर्दन के ऊपर काटने का निशानात मौजूद थे जी, पूरे रुई का गला लगाया हुआ था और उसके पैक करके जो है लाश को लाया गया। अच्छा। सबसे पहली चीज ये है कि ये लोग बता रहे हैं कि हमने जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया है। अच्छा। हम ये हॉस्पिटल से भी लोकनायक अस्पताल का जो है ये मृत्यु प्रमाण पत्र लगाया गया है, हम उस पर भी आवाज़ उठाते हैं और इसकी सही जांच की मांग करते हैं कि बगैर पोस्टमार्टम के, बगैर जांच के लाश कैसे दे दिया गया। अच्छा। दूसरी चीज़ ये है कि लाश की बगैर पैकिंग के लाश को हवाले कैसे कर दिया गया। तीसरी चीज़ ये है कि टाइमिंग जो डाला गया है कि हमने इस टाइम में जो है बच्ची को जो है हॉस्पिटल में एडमिट किया था जी, और एडमिट का टाइम और मृत्यु के टाइम में बहुत आसमान और ज़मीन का फर्क है। दूसरी चीज यह है कि मृत्यु प्रमाण पत्र के ऊपर जो टाइमिंग डाला हुआ है, अच्छा, सिर्फ और सिर्फ जो है 20 मिनट के अंदर जो है मृत्यु दिखलाया जा रहा है। हॉस्पिटल में भर्ती होने से लेकर के मृत्यु होने का जो दरमियान है वो 20 मिनट का, सिर्फ 20 मिनट का टाइम है। इससे यह पता चलता है कि ये हॉस्पिटल कितना पागल हॉस्पिटल है। इसको इसकी सही जाँच इसलिए होनी चाहिए कि ये फौरन कह रहा है कि पेट में जो है गैस की वजह से गैस्ट्रिक का मामला था। आपने इसकी जाँच क्यों नहीं कराई कि गैस्ट्रिक हुआ कैसे? मतलब गैस की वजह से इंसान की मौत हो जाती है, गैस की वजह से इंसान की मौत दिखला रहे हैं, आपने इसकी जांच क्यों नहीं करवाया? हम मुख्यमंत्री से इसका जांच की मांग करते हैं, और दरभंगा डीएम से इस जांच की मांग करते हैं, इसलिए कि इस लाश को जो है दफनाने के लिए दरभंगा के अंदर लाया गया, और दरभंगा डीएम और एसपी साहब से हम ये मांग कर रहे हैं कि इसकी जाँच सही तरीके से करवाएं। अच्छा, जो आपके दामाद थे जिनके ऊपर आपको शक है या फिर आप दावा करें कि उन्होंने ही आपकी बेटी को मारा, वो क्या करते थे? वो जो है सिलाई का काम कर रहा था, और इधर कई महीनों से सही तरीके से बात करने नहीं दे रहा था। आए दिन उनका जो है डिमांड बढ़ता जा रहा था जी, कभी कुछ मांग रहे हैं, कभी कुछ मांग रहे हैं, कभी पैसे का डिमांड है, कभी गाड़ी की डिमांड है। अच्छा। ये सरकार बार बार एक नहीं है, ये हमारा ही मौजू नहीं है, पूरे बिहार से ये खबर आ रही है कि लेन देन पर बार बार मौत किया जा रहा है। ये सरकार इस तरह की संगीन क्यों नहीं इस पर कदम उठा रही है कि इस तरह के करने वाले लोगों पर लगाम लगना चाहिए, और इसके अगर फांसी का सजा होगी तो दूसरे लोग इस तरह के कदम उठाने से बचेंगे अपने। अच्छा, एक चीज बताइए कि जैसे आप बता रहे हैं कि उनकी उनका कत्ल किया गया इसलिए कि दहेज मांगा जा रहा है, कोई गाड़ी वाड़ी का भी सुनने में आ रहा है, कुछ गाड़ी का डिमांड? एक बुलेट गाड़ी का डिमांड था, 2 लाख रुपए का डिमांड था। अच्छा, मतलब कि शादी? और अभी ये पता चल रहा है कि कुछ दिनों पहले उस लड़के ने शादी भी किया है, फिर से दोबारा जी दूसरी शादी भी किया है जी, और अपने बल के ऊपर थाने को मैनेज करके, अच्छा, और इस मामले को दबाने की कोशिश किया। तो मतलब कि आप लोगों को आपकी बेटी से सही तरीके से बात भी नहीं करने दिया जा रहा था? नहीं बात करने दिया जा रहा था। बिहार में ऐसे मामले तमाम जगह पर देखने को मिलते हैं, कोई एक नया मामला नहीं है। हाँ, अगर ये मामला होता कि इनकी बेटी मुस्लिम रहती, लड़का हिंदू रहता, या फिर लड़का मुस्लिम रहता और इनकी बेटी हिंदू रहती, तब जाकर के बवाल हो जाता, तब ना जाने कितने लोग सामने आ जाते, श्रद्धा आफ्ताब का मामला सामने ला दिया जाता, कई तरीके के मामले सामने ला दिए जाते, लव जिहाद कहा जाता, और कई लोग जो मुस्लिम और हिंदू अपने आप को समझते हैं कि भाई हम लोग एकदम
धर्म की रक्षा करेंगे, मुस्लिम लोग कहते हैं कि हम लोग वियात करेंगे, ऐसे तमाम चीजें सामने आती हैं, वो लोग अभी यहाँ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि इनकी बेटी भी मुस्लिम थी, इनके दामाद भी मुस्लिम थे, लेकिन यहाँ पर कोई आवाज नहीं उठाने आएगा, इनकी आवाज ऐसी ही दब जाएगी। खाना वगैरह भी मैनेज करने की बात कर रहे हैं आप? खाना मैनेज किया गया, अभी ज्यादा दिन शादी को भी नहीं हुई, सिर्फ 8 महीने का मामला। अच्छा, और मेडिकल जांच हम मांग कर रहे हैं, तो इससे जो है थाने को बौखलाहट क्यों हो रही है, उसको क्यों बौखलाहट हो रही है? अगर वो मौत से मरी है तो वो तो सामने आ जाएगा कि मामला क्या है, जो कुछ भी होगा अंदरूनी बातें वो सामने आ जाएगी जी। हम तो आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम कोई बात आपसे नहीं कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं कि सिर्फ उसकी जांच कराई जाए, उसका पोस्टमार्टम कराया जाए कि जो सही जानकारी हमारे सामने आनी चाहिए। अच्छा, अब तो आपकी बेटी के शव को दफना दिया गया होगा, तो पोस्टमार्टम कैसे पॉसिबल है? पोस्टमार्टम इससे पहले भी जो है कई महीने की लाश दफन को जो है निकाला गया है, और निकाल के जो है पोस्टमार्टम कराया गया है, खबर हुई है कैसे क्या हुआ। तो आपको इससे तकलीफ नहीं ना है? हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमको जो है मुजरिम को सजा चाहिए, चाहे उसके लिए हमको जितना संघर्ष करना पड़े। इससे पहले भी मैंने कहा था कि अगर इस पर जो है सरकार अगर कदम नहीं उठाएगी तो हम जो है भूख हड़ताल पे, कलेक्ट्री आवास पे हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे, और इस पर जो कड़ी से कड़ी सजा की हम मांग करेंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है? यहाँ पर अगर हिंदू मुस्लिम होता तो आपको आपके लिए कई लोग खड़े होते हैं, लेकिन आज आप सिर्फ मुस्लिम हैं और एक ही धर्म के हैं, बस आपके दामाद भी एक ही आप ही के धर्म के हैं, तो इसलिए आपकी आवाज दब रही है, कोई सामने नहीं आ रहा आपके लिए बोलने के लिए? ये यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है मेरे भाई। हाँ, अगर होता तो इससे ज्यादा ये दूसरी ये दूसरा मौजू हो रहा है जी। यहाँ पर मामला सिर्फ और सिर्फ जो है गरीबों का है। अगर आज हम भी पैसे वाले होते तो हमारे तरफ भी लोग खड़े होते, लेकिन आज हमारे पास पैसा नहीं है, आज हमारे पास साथ में खड़े होने वाले लोग नहीं है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम ये बेकार की बात है, और जो अनपढ़ लोग हैं जिनके पास इल्म की कमी है, वो लोग हिंदू मुस्लिम करके राजनीति को चमकाने की कोशिश करते हैं। जिनको सियासत करना है, जिनको राजनीति में आगे बढ़ना है, वो हिंदू मुस्लिम का सट्टा खेलते हैं, हमको हिंदू मुस्लिम का सट्टा नहीं खेलना। ये गरीब है और आज अपनी बेटी को गवा चुके हैं, पता है क्यों? क्योंकि इनके पास उतना पैसा नहीं था कि अपने दामाद को एक गाड़ी दे दें, अपने दामाद को दहेज दे, जो कि बिहार में इलीगल है, और उसके बावजूद भी आज इनके साथ ये गलत हो रहा है। बाकी क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे, और तमाम लोग तमाम अधिकारियों से इस चीज के बारे में हम दरखास्त करेंगे और गुजारिश करेंगे कि इनको न्याय मिलना चाहिए। ये न्याय के बदले में कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं आपसे, किसी तरीके का कोई डिमांड नहीं कर रहे, इनका कहना है कि निष्पक्ष जांच हो जाए, बस यही काफी है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोग का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।